नमस्कार दर्शकों, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज बात करेंगे डॉक्टर्स, क्योंकि कुछ नकाबपोशों की वजह से इस पेशे पर भी सवाल खड़े होने लगे, सवाल लाजमी भी। आज आगरा के पारस अस्पताल का जो वीडियो वायरल हुआ है, वो आज मजबूर करता है कि इस मुद्दे पर भी खुलकर बात हो। भारत चाहता है कि इस मुद्दे पर साफ साफ स्वच्छ बात की जाए। आज ऐसे ही नकाबपोशों का पोस्टमार्टम करेंगे और डॉक्टरों और नकाब पहने डॉक्टरों के बीच का आपको फर्क समझाएंगे और डॉक्टरों की गिरती साख को बचाने का भी हम कुछ प्रयास करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दूं, हम आज उन लोगों की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर के भेष में बहुरूपिये घूम रहे हैं। बाकी जो सच में अपना चिकित्सक धर्म समझते हैं, जो सच में जान बचाने को ही अपना पेशा समझते हैं, हम उनका सर्वोच्च सम्मान करते हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्टर और नकाबपोश डॉक्टर के बीच का फर्क साफ किया जाना चाहिए और ये भी बताना जरूरी है कि डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर ही रहने दो। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, खाना पानी सब जा रहा हमारे पेशेंट के पास और हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारा पेशेंट नहीं रहा है। किडनी और गुर्दे निकाले जा रहे हैं। 90% ऑक्सीजन होना चाहिए तब लेंगे। रात रात में डेडबॉडी गायब कर दी इन्होंने। तो आज का दिन एक ऐसी खबर लेकर आया कि जिसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मतलब मॉक ड्रिल ने 22 लोगों की जान ले ली। मुझे विश्वास नहीं हुआ। कोई इतना बड़ा पाप करने की सोच भी कैसे सकता। ऐसा सोचने वाले के पास मानवता का कोई अता पता भी नहीं हो सकता। कोरोना की दूसरी लहर तो जैसे सुनामी की तरह आई और कईयों के दोस्त यार परिवार प्यार सज्जन सब कुछ बहा कर ले गए। ये उस लहर के बाद की खामोशी जिसमें हम जी रहे। कितने ही हैं जो बच गए, लेकिन सब कुछ खो चुके हैं। तो अब हिसाब का भी वक्त आ चुका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगरा से एक वीडियो सामने आया। वीडियो आगरा के पारस अस्पताल का है। यहाँ का संचालक है अरिंजय जैन। इसके अस्पताल में तमाम डॉक्टर्स हैं। इन सभी ने मिलकर पाप किया है जो माफी के लायक नहीं है। वीडियो की जांच होनी चाहिए और अगर वीडियो सही पाया जाता है तो जितनी अधिक मुमकिन सजा हो वो मिलनी चाहिए। फिलहाल इस अस्पताल को सील कर दिया गया है, जांच जारी है। हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो प्ले करिए। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए। नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 चले। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो सर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ। तामीरदार हो सर, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही। तो हमारे समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो किसी को मौत के मुंह से जाने से बचा सकता है, तिल तिल मरते किसी इंसान को जिंदगी दे सकता है और खोई हुई उम्मीदों को जीता जागता उत्साह दे सकता है। जाहिर सी बात है कि धरती पर एक डॉक्टर ही साक्षात ईश्वर का काम करता है और इसके लिए उनके प्रति जितना कृतज्ञ हुआ जाए कम ही होगा। डॉक्टर्स को देव पद का सम्मान प्राप्त, उनको भगवान कहा जाता है। लेकिन रुकिए, क्या सच में डॉक्टरों को भगवान कहे जाने की जरूरत है? तो बात कड़वी है, ध्यान से समझिएगा। डॉक्टरों को भगवान के स्टेटस की जरूरत नहीं, क्योंकि यह पेशा पूरी तरह से पवित्र नहीं है। यहां डॉक्टर के भेष में शैतान भी घूम रहे हैं, यहां नकाबपोशों का जमावड़ा है। ऐसे में जहां हम एक नदी को गंगा माँ का दर्जा देते हैं लेकिन साफ नहीं रख पाते, हम गाय को माता का दर्जा देते हैं लेकिन सड़क पर घूमती गाय को हम महा किस मुंह से बुलाते हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा मत दो। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो, लेकिन शैतानों को इसका जरा भी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उनको पहचानो, चिन्हित करो, इनको कानून की दवाई का डोज मिलना चाहिए, चार्जशीट का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल पर एक रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट को कई लोगों ने देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी। ये रिपोर्ट उस वक्त की है जब कोरोना पीक पर था और लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे थे। तब मेरी आंखों के सामने कई लोग अस्पताल के गेट पर सांसों से कमजोर पड़ गए और वो भगवान के पास भी चले, लेकिन जमीन पर उस अस्पताल के गेट के अंदर की ओर जो तथाकथित भगवान बैठे थे वो बाहर उनको देखने तक नहीं आए। कैसे उनको भगवान कहूंगा? इस रिपोर्ट की कुछ क्लिप है, उसको देखिए आप।
भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के नीचे। आपने यहाँ से बॉडी गायब कर दी है। भर्ती कब करवाया था आपने? रात को ही भर्ती कराया, शाम के टाइम में, और हमारे को बॉडी नहीं मिल रही है। सर हॉस्पिटल से ये बताया जा रहा है कि कोई मैम करके उनका उनसे बात कराई है, उनका नंबर हमारे पास होता नहीं है। और गाड़ी ये तो लड़ने को तैयार है, गाड़ी यहाँ से ले जाओ, कहाँ ले जाए बताओ गाड़ी। पेशेंट सीरियस है ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव होंगे तो नहीं देंगे, अभी तक पापा हमारे पॉजिटिव नहीं थे। और अब बोल रहे कि डेड बॉडी का कोई टेस्ट होगा, उसके बाद कल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बताएंगे, और बॉडी को हमारे को नहीं देंगे। कभी कभी अंतर मन से निकलते पवित्र भाव को बनाए रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। आगरा का ये वायरल वीडियो और अभी जो एक क्लिप आपने देखी, इसके साथ ही आपदा में अवसर बनाते कई डॉक्टरों को भी हमने देखा, ये सब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण। सारी क्लिप चलाने बैठेंगे तो प्रोग्राम का समय निकल जाएगा। तो ये लोग जो ना सिर्फ डॉक्टर जैसे सर्वोपरि पेशे को बार बार कलंकित करते हैं इनके जैसे लोग, बल्कि डॉक्टर्स पर आम जनता के सदियों से जमे हुए विश्वास को एक सेकंड में झकझोर देते हैं और उसकी जगह शक और सवालों को जन्म देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे भाव तो चिकित्सक के प्रति बिल्कुल सही है, लेकिन क्या चिकित्सक सच में देवता रह गए हैं? इस घटना और इसके जैसी तमाम घटनाएं जो हाल में हमने देखी हैं, हमें ये बता गए कि हर बड़े या छोटे शहर में कहीं कोई चिकित्सक ऐसा बैठा है जो नकाबपोश है। ना जाने कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने चिकित्सकीय ज्ञान की वजह से नहीं बल्कि पैसे और फर्जी डिग्रियों के जरिए वहां बैठे लोगों को ठगने के लिए, जिन्हें बीमारी का भी सही पता नहीं, दवा की तो बात बहुत दूर की कौड़ी। वैसे यूं भी अब सेहत एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है, जहां डॉक्टर्स की प्राथमिकता माने प्रायोरिटी सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं बल्कि उनसे मोटी रकम ऐंठना भी है। अस्पताल में दाखिल होते ही कई तरह की गैर जरूरी जांच है जिनका कई बार बीमारी से संबंध भी नहीं होता, आवश्यक तौर पर कराने की सलाह दी जाती है। बीमारी से परेशान मरीज और अपने दुख से दुखी रिश्तेदार डरे सहमे जांचें कराते हैं और कहीं से भी इंतजाम करके उतना पैसा भरते भी हैं जितना कमाने में शायद उनकी जिंदगी निकल चुकी है। इन सब के बावजूद मरीजों की ना तो ठीक से देखभाल हो पाती है और ना ही डॉक्टर्स के पास उन्हें देखने का समय होता है। देवता के इस अवतार को मान मनुहार करके बुलाया जाता है मरीज को देखने के लिए। सरकार अस्पतालों में तो स्थिति और भी भयानक है, यहां सिर्फ अपने आराम और तनख्वाह की परवाह की जाती है और ना मिल पाने वाली सुविधाओं के विरोध में आंदोलन करने। लेकिन मरीज कहां किस कोने में करहा रहा है इसका ख्याल तक नहीं आता। क्या ये सभी स्थितियां डॉक्टर्स की घोर लापरवाहियां नहीं है? क्या अब भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर में भगवान बसते हैं? और अगर ऐसा है तो इन देवताओं को अपने प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है, वरना आम जनता का विश्वास एक दिन जरूर इस भगवान से उठ जाए। तो अब बात इस पर कि क्या जो अच्छे डॉक्टर वो जो पूरी लगन से काम करते हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, उनको भी भगवान कहा जाना चाहिए या नहीं? तो पर्सनल परसेप्शन से मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को भगवान कहने की जरूरत नहीं, भगवान को तो हम सभी ने अलग अलग लेबल लगाकर मजहब की मीनारों में बंद कर दिया है। डॉक्टर महज इंसान है, डॉक्टर का भी परिवार है, घर है, बच्चे हैं, अपनी परेशानियां हैं। डॉक्टर वो है जो 18-18 घंटे पीपी सूट में लिपटा रहा, उसे इंसान ही बने रहने। भगवान कहोगे तो सूली चढ़ा मसीहा बना दोगे, और जब वो मसीहा किसी को बचा नहीं पाता ना, तो लोगों को लगता है ये मसीहा है ही नहीं, ये भगवान है ही नहीं, ये तो डॉक्टर है ही नहीं। और फिर घटनाएं होती, हम खबरें देखते हैं, तीमारदारों ने डॉक्टरों को पीटा, अस्पताल में तोड़फोड़ वगैरह वगैरह। अरे वो इंसान है, इंसान ही रहने दो। वो भी थक गया है तिल तिल सांसों को उखड़ते देखते देखते। लगभग 1000, जी हां 1000 हेल्थ वर्कर्स खुद की सांसें खो बैठे हैं कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते। लेकिन फिर भी अच्छे डॉक्टरों का जो पूरी लगन शिद्दत से अपना काम करते हैं, उनकी पूजा मत करो, भगवान मत बनाओ, क्योंकि यहां जो पुजवाने वालों की लाइन लगी है, यहां पुजवाने वाले तमाम हैं, नेता काफी हैं इस लाइन में। अगर कुछ कर सकते हो तो सुनो ध्यान से, उनकी सुनना शुरू कर दो। वो कहते कहते थक गए कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, वैक्सीन लगवाओ। एलोपैथी और आयुर्वेद के झगड़े में हम और आप मत पड़े, दोनों तरफ लाला लोग हैं, कुछ कुछ काम सबका काला है। इस वक्त जब सांसें कम पड़ने लगती है ना, तो कोई कपाल भाती, कोई अनुलोम विलोम कुछ काम नहीं आएगा।
डॉक्टरों की सुनो, झोला छापो और नकाबपोशों को पहचानो, पकड़ो, धंधेबाजों को पुलिस से अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ उनका। लेकिन भगवान के लिए इन डॉक्टरों को भगवान मत बनाओ, डॉक्टरों को इंसान बने रहने दो। इसमें डॉक्टरों की भी भलाई है, आपकी भी भलाई है, देश की भी भलाई। कर सकते हो तो सुन लो उनकी, घर से बेवजह बाहर मत निकलो, खतरा टला नहीं है, वैक्सीन लगवाओ, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।